الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات سيد محمد عليه وسلم قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں ہیں جن میں پروردگار عالم پیغمبر ختمی مرتبت کے مقصد بعثت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں مبعوث کیا. جناب آدم سے لے کے اور ختمی مرتبت تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے ہیں ان تمام انبیاء کے مبعوث ہونے کا مقصد اور ہدف ہر نبی نے آنے کے بعد تین نعرے دیے ہیں, تین عقیدے بیان کیے ہیں. اول یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دوسرے یہ کہ میں نبی بن کر آیا ہوں, اس کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں. اور تیسرے یہ کہ قیامت آئے گی. یہ تین بنیادی وہ عقیدے ہیں کہ ہر نبی اور ہر رسول نے ان عقیدوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے. جب پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے بھی یہ تین عقیدے مکے والوں کے درمیان میں بیان کیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے. اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم قبول کرو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل, آپ نے کبھی غلط کہا ہی نہیں, آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, بالکل مانیں گے. تو کہا اگر تم مان رہے ہو تو قبول کرو کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں اور اس کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں. اور وہ یہ کہ دیکھو قیامت آئے گی. تین عقیدے پیغمبر نے بیان کر دیے, اللہ ایک, میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں, اور قیامت آئے گی.
तीनों अकीदों का मजाक उड़ाया गया। इन मक्के वालों ने, इन कुफार मुशरिकीन मक्का ने तीनों अकीदों का मजाक उड़ाया। जब पैगंबर खतीम मर्तबत ने अल्लाह की वहदानियत की बात की तो इन्होंने मजाक उड़ाया कि वो कौन सा खुदा है जो ना दिखता है ना बोलता है ना सुनता है, वो कौन सा खुदा है? अगर खुदा है तो दिखेगा। पैगंबर खतीम मर्तबत ने इस अकीदे के मुकाबले में दलीलें दी हैं, खुद कुरान में भी वो दलीलें मौजूद हैं। और वो ऐसी दलीलें हैं कि जहां खुद कुफार और मुशरिकीन के पास उनकी रद्द में कोई दलील नहीं थी अल्लाह की वहदानियत के सिलसिले में। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। पैगंबर आप इनसे कहिए कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो जमीन में फसाद पैदा हो जाता, आसमान और जमीन में इख्तिलाफ पैदा हो जाता। यह जमीन और आसमान का में इख्तिलाफ न होना, इनका आपस में न टकराना खुद इस बात की दलील है कि जो अल्लाह है वो एक है। जहां तौहीद के अकीदे का मजाक उड़ाया गया वहीं खुद आपकी नबूवत और रिसालत का मजाक उड़ाया गया और आपके ऊपर काहिन और साहिर के इल्जाम लगाया गया कि आप जादूगर हैं। जो मोजिज़नुमा पैगंबर था उसे जादूगर बताया जा रहा था, उसे काहिन बताया जा रहा था, उसे अख्तर के ताने दिए जा रहे थे, उसे शायर कहा जा रहा था कि ये कुरान की आयतें नहीं सुना रहे, शायरी कर रहे हैं। जब पैगंबर कुरान की आयतें सुनाते थे तो मक्के वाले कहते शायरी कर रहे हैं ये। पैगंबर को कहा ये शायर है। परवरदिगार आलम ने उसका भी जवाब दे दिया। जिस तरीके से पैगंबर खतीम मर्तबत अगरचे आपने उमूमन ना आपने पढ़ा ना लिखा, लेकिन पढ़ना भी जानते थे लिखना भी जानते थे, इसी तरीके से ऐसा नहीं कि आप शायरी करना नहीं जानते या शेर कह ना पाते, लेकिन पैगंबर की शान के ये खिलाफ था, लिहाजा पैगंबर और कहीं कल ये कुफार और मुशरिकीन मक्का ये इल्जाम ना लगाए कि ये शायरी की है, लिहाजा खुद पैगंबर ने कभी अपनी हयात में कोई शेर नहीं कहा। जनाब अबू तालिब के अशार मिलेंगे, मौला अली के अशार मिलेंगे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के अशार मिलेंगे, लेकिन खुद पैगंबर खत्ती मर्तबत ने अपनी हयात में कोई शेर नहीं कहा। तीसरे कयामत का अकीदा, जब पैगंबर कयामत का अकीदा बयान करते थे तो कयामत के अकीदे के मुतालिक भी आपका मजाक उड़ाया जाता था। जब पैगंबर ने फरमाया कयामत आएगी तो लोगों ने सवाल किया कयामत क्या है, क्या दोबारा जिंदा किए जाओगे और तुमसे तुम्हारे मुतालिक तुम्हारी जिंदगी से मुतालिक पूछा जाएगा, हिसाब किताब होगा? तो लोग मजाक उड़ाते थे। एक शख्स पैगंबर की खिदमत में आया टूटी फूटी हड्डियां लेकर, सूरह यासीन में पूरी तफसील मौजूद है, और पैगंबर की खिदमत में आके उनको उन बोसीदा हड्डियों को हाथ से मलने लगा, और जब बिल्कुल वो बारूद हो गई उनको पैगंबर के सामने फेंक दिया और आवाज दी मई वही वही रमीम, इन बोसीदा हड्डियों को कौन जोड़ेगा, इनको कौन जिंदगी अता करेगा? बस जैसे ही उसने ये हरकत की और ये तौहीन की फौरन आयत उतरी, इसी से मिली हुई आयत, उल युहयीहल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रा। पैगंबर इस बेवकूफ से कह दीजिए कि इन हड्डियों को वही जोड़ेगा कि जिसने पहले जोड़ा था। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो ये तीन अकीदे वो बुनियादी अकीदे हैं कि जिनको तमाम अंबिया ने और बिलखसूस पैगंबर खत्ती मर्तबत ने बयान किया है। देखो अल्लाह एक है, मैं उसकी तरफ से नबी बनकर आया हूं और कयामत आएगी। अब सवाल यह है कि पैगंबर खत्ती मर्तबत के आने का मकसद और हदफ क्या था? क्या सिर्फ इतना ही बताने के लिए आए थे कि अल्लाह एक है और मैं नबी बनकर आया हूं और कयामत आएगी? परवरदिगार आलम ने अपने नबी के हदफ और मकसद को दो तीन मकामात के ऊपर कुरान मजीद में बयान किया है। इसी तरीके से यही सूरह जुमा की शुरू की जो आयतें हैं, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, वही वो खुदा है कि जिसने मक्के वालों के दरमियान में एक ऐसा रसूल भेजा कि जो आयात इलाहिया की तिलावत करता है, नफ्सों को पाक कर, वह युज़क्कीहिम, नफ्सों को पाक करता है और इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। यह है पैगंबर के आने का हदफ और मकसद, पैगंबर को भेजने का हदफ और मकसद। पैगंबर किस लिए आए? पैगंबर आए ताकि वो लोगों को किताब और हिकमत की तालीम दें, पैगंबर आए ताकि लोगों के नफ्सों को पाक करें, पैगंबर आए ताकि आयत इलाहिया की तिलावत करें। जैसे जैसे आयतें और सूरे नाजिल होते जाते थे, पैगंबर खत्ती मर्तबत इन आयतों और सूरों की तिलावत लोगों के दरमियान में करते जाते थे और उन अहकाम इलाही से लोगों को आगाह करते रहते थे। और जो अकायद हैं उन अकायद को लोगों तक पहुंचाते रहते थे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वयतलू अलैहिम आयात इलाहिया की तिलावत करे। और दूसरा जो काम इसी के बाद जो बहुत ही अहम था जिसके लिए पैगंबर को भेजा गया, वयुज़क्कीहिम, ताकि वो तुमको पाक करे, तुम्हारे नफ्सों को पाक करे। अब यहां के ऊपर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी नजासत थी कि जिस नजासत से पैगंबर खत्ती मर्तबत ने लोगों को पाक किया है? और हमने तो यही सुना है कि लिबास नजिस होता है, जिस्म नजिस होता है, जगह नजिस होती है, गिजा नजिस हो जाती है, लेकिन क्या नफ्स भी नजिस होता है कि जिसके लिए कुदरत आवाज दे रही कि युज़क्कीहिम, हमने अपने पैगंबर को भेजा है ताकि वो इन नफ्सों को पाक करें? तो सवाल ये पैदा होता है कि नफ्स नजिस कैसे होता है कि जो पाक हो? अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने हर इंसान को जब दुनिया में भेजा है तो पाक नफ्स के साथ भेजा है। दुनिया में अल्लाह ने हर इंसान को पाक नफ्स के साथ भेजा है, फिर ये नफ्स नजिस कैसे हो जाता है, खराब कैसे हो जाता है? जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसकी उम्र में इजाफा होता है, उसके घर का माहौल, उसका अतराफ, उसके दोस्त अहबाब, उसके पड़ोसी, उसका माहौल, ये सारी चीजें उस नफ्स को कि जो पाक नफ्स था, खराब करने और नजिस करने का जरिया बनती है। मैंने अर्ज किया अजीजों, बहुत तवज्जो रखिएगा, घर, घर का माहौल, महल्ले का माहौल, शहर का माहौल, स्कूल का माहौल, दोस्तों और यारों का माहौल, बाजार, पार्क, ये सारी चीजें असरअंदाज होती हैं कहां? नफ्स के ऊपर। और वो जो पाक नफ्स था, जो खालिस नफ्स था,
वो खराब होने लगता है, नजिस होने लगता है। अब अगर घर, मोहल्ला, शहर, दोस्त अहबाब अच्छे नहीं मिले तो फिर ये नफ्स हो जाता है खराब इन्हीं के लोगों की वजह से, इन्हीं अफराद की वजह से ये नफ्स खराब हो जाता है। और खराबी भी कैसी पैदा होती है, कुछ खराबियां होती हैं कि जो मामूली खराबियां होती हैं और कुछ होती बुनियादी खराबी कि जहां जिनकी वजह से ईमान ही रुखसत हो जाता है, दीन ही चला जाता है। कहने के लिए हमारा नाम एक इस्लामी नाम रह जाता है लेकिन इस्लाम से हमारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। कहने के लिए हम शिया हो रहते हैं लेकिन हकीकत में हम शिया होते ही नहीं है, इतना खराब हो जाता है नफ्स, इतना नजिस और आलूदा हो जाता है नफ्स। इस नफ्स की खराबियां जो हैं, इस नफ्स की जो बुराइयां हैं, उनमें शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, हसद है, कीना है, बुग्ज है, ये सब नफ्स की खराबियां हैं जिनके जरिए से नफ्स नजिस होता है, खराब होता है, आलूदा होता है। पैगंबर अल्लाह कह रहा है कि हमने अपने हबीब को भेजा है ताकि वो नफ्स को पाक करें। अब जाहिर सी बात है, अगर शिर्क, अगर इस दिल में शिर्क आ गया है तो शिर्क कब, शिर्क से कैसे तहारत होगी? शिर्क से पाक करने का जरिया यह है कि इंसान अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत का इकरार करे, और खाली जबान से नहीं, दिल से। कुफ्र जहां पर कभी कभी अल्लाह का इनकार कर देता है, किसी अल्लाह की सिफत का इनकार कर देता है, कभी कभी इमाम का इनकार कर देता है, कभी रसूल का इनकार कर देता है, रसूल को मान रहा है, रसूल की सिफतों का इनकार कर देता है, इमाम को मान रहा है, इमाम की सिफतों को का इनकार कर देता है, कयामत को कबूल नहीं करता है, अल्लाह की अदालत को तस्लीम नहीं करता है। यह इनकार कुफ्र की मंजिल तक ले जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इंसान कुफ्र की मंजिल तक पहुंच गया तो जरिया क्या है, तरीका क्या है पाक करने का? तरीका यही है कि अब खुद उस कुफ्र से ईमान में फिर वापस आए। ईमान में कब वापस आएगा? जब उसको सही अल्लाह की मारिफत और अल्लाह का इल्म होगा, तब जब वो अदालत को समझेगा, जब वो पैगंबर खत्ती मर्तबत और अइम्मा अलैहिस्सलाम के मकसद बेसत को समझेगा, तब वो कुफ्र से ईमान में दाखिल होगा। इसी तरीके से निफाक, मुनाफिकत, दुरोई कि जहां जबान के ऊपर कुछ होता है और दिल में कुछ होता है, यह भी एक नफसानी बीमारी होती है, नफसानी खराबी होती है जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है रूहानी लिहाज से, नफसानी लिहाज से। और जाहिर सी बात है कि जब नफसानी रूहानी लिहाज से बीमार हो गया तो इसका भी इलाज है कि इस निफाक को दूर करे। निफाक को दूर करने के भी बहुत से तरीके और बहुत से जरिए और बहुत सी दुआएं कि दिल में निफाक ना पैदा होने पाए। उन्हीं में से मासूम ने फरमाया कि जो भी बुलंद आवाज से सलावात भेजता है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इस बुलंद आवाज से सलावात भेजने से निफाक दूर हो जाता है। ए अली, तुम्हारी मोहब्बत निफाक को दूर कर देती है, निफाक को दूर कर देती है। तो मालूम यह हुआ है कि खुद इंसान अल्लाह की अजमत, पैगंबर खत्ती मर्तबत की रिसालत और अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत को समझे ताकि उसके दिल में निफाक न पैदा होने पाए, निफाक ना आने पाए। इसके अलावा और बहुत सी नफसानी खराबियां और बुराइयां हैं, जैसा कि मैंने कहा, हसद है, कीना है, अदावत है। बस अपनी बात को समेटते हुए कि हसद और कीना और अदावत, एक तो यह होता है कि इंसान अपने भाई से हसद कर रहा है,
अपने पड़ोसी से हसद कर रहा है, अपने अजीज से हसद कर रहा है, एक मुसलमान से हसद कर रहा है, एक इंसान से हसद कर रहा है, तो ये हसद है। और एक हसद ये होता है इसलिए कि हर चीज के दर्जे होते हैं, जीने होते हैं, वैसे हसद के भी जीने हैं। हर हसद एक खाने में नहीं है। एक इंसान एक काफिर से हसद कर रहा है और एक मोमिन से हसद कर रहा है, दोनों हसद बराबर नहीं है। ये जो मोमिन से हसद है ये उस खाने में नहीं है कि जो काफिर से हसद कर रहा है। मोमिन से भी हसद एक ही है कि खुद अपने भाई से हसद कर रहा है मोमिन में भी, और एक आम मोमिन से हसद कर रहा है। ये दोनों में भी फर्क हो गया। हसद के दर्जे हैं। एक इंसान एक जाहिल से हसद कर रहा है और एक इंसान होता है एक आलिम से, एक फकीह, उसका हसद दिल में पैदा हो गया। तो मालूम हुआ कि अब गुनाह और उसका जो सजा और वो बढ़ता जा रहा है। एक फकीह ही से हसद नहीं कर रहा है, एक वली खुदा से हसद कर रहा है, एक आरिफ इलाही से हसद कर रहा है। और ज्यादा इसमें इजाफा हो गया, एक आरिफ इलाही और एक आरिफ इलाही और वली खुदा से बढ़ के इमाम वक्त से कोई हसद कर रहा है, इमाम वक्त से हसद कर रहा है, गुनाह और बढ़ जाता है। रसूल खुदा से कोई हसद कर रहा है, अल्लाह रसूल ही से नहीं, अल्लाह से हसद कर रहा है। हसद, हसद सबसे पहले किसने किया था? हसद सबसे पहले शैतान ने किया था। आदम के सिलसिले में दिल में हसद पैदा हो गया और इस हसद ने शैतान को कहां पहुंचा दिया। लिहाजा ये हसद, अब जाहिर सी बात है कि जब आम मोमिन के लिए हुक्म ये है कि हसद ईमान को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, तो आप इंसाफ से बताइए कि जिसने खुद रसूलुल्लाह से हसद किया, जिसने खुद अमीरुल मोमिनीन से हसद किया, जिसने फातिमा जहरा से हसद किया, जिसने इमाम हुसैन से हसद किया, तो क्या उसका ईमान सलामत रहेगा? उसका दीन सलामत रहेगा? हकीकत में पैगंबर हतीम मर्तबत के इंतकाल के बाद ये जितने भी वाकयात और हालात रूनुमा हुए जिनमें हम देखते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी मजलूमियत का मरसिया और नवा पढ़ रहे हैं, ये किस बुनियाद पर था? ये उस हसद की बुनियाद पर था कि जो अहले बैत से हसद किया जा रहा था। और इस हसद की बुनियाद पर जब एक मोमिन मोमिन से हसद करे तो ईमान नहीं रह जाता, तो क्या इन लोगों का ईमान सलामत रहा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या इस्लाम सलामत रहा होगा? बिल्कुल नहीं। और इस हसद ने इंसान को कहां तक पहुंचा दिया कि जहां पैगंबर का इंतकाल हुआ और पैगंबर के इंतकाल के बाद पैगंबर की इकलौती बेटी जनाब फातिमा पहलू शिकस्ता हुआ, बच्चा शहीद हुआ, जिंदगी भर जबान के ऊपर मरसिया रहा, सुब्बत अलैया मसाहिब लवन्हा सुब्बत अलैया मिसरन लयाली। जनाब फातिमा की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन खुद अपना नवार अपना मरसिया पढ़ रहे हैं, मस्जिद में सजदे की हालत में फर्क मुबारक पे जरबत लगाई जा रही है, जबान पर कलेमात फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। इमाम हसन इधर से जनाजा उठा और चाहा के नाना के पहलू में दफन कर दे, उधर से तीर चले, सात तीर जिस्म में पैवस्त हो गए। और इमाम हुसैन पर तो मसाइब का खात्मा है,
कि जहां जनाजे पर तीर नहीं थे, तीरों के ऊपर जनाजा था। और अजादारों, जिस वक्त तीरों के ऊपर इमाम का जिस्म अथर था, तो बस ऐसे ही हंगाम शिमर मलून आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद अब जो गुस्ताखी की है तो कहते इधर के तीर उधर और उधर के तीर इधर। बहन ने देखा कि भाई नजर नहीं आ रहा है, एक बुलंदी के ऊपर आई, चारों तरफ नजरों को दौड़ाया, देखा कि एक नशेब में भाई पड़ा हुआ है, शिमर सीने के ऊपर सवार। आवाज दी, अबना साहब मेरा मजाया जबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। इमाम ने इशारा किया, बहन खैमे में जाओ। जैनब खैमे की तरफ चली, उधर शिमर का खंजर चला। बखंजर का चलना था कि एक मर्तबा फिजा में कोहराम बरपा हुआ। आवाज बुलंद हुई, अला कोतिल हुसैन बे करबला, अला ज़बहल हुसैन बे करबला। फूफी दौड़ के भतीजे के करीब गई, मेरे लाल लगता है कि मेरा भैया मारा गया, लगता है कि तुम यतीम हो गए, देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। एक मर्तबा चौथे इमाम अर्ज करते, फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा तो बेटे ने क्या देखा, बाप का सर नोके नेजा पर। आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयालमुल लदीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून बिहक ज़हरा वाबीहा वबालिहा वबनीहा। बारे इला हमारे जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा। शब जुमा है, शब मगफरत, शब रहमत, शब दुआ और शब मुनाजात। माबूद हमारी तमाम गलतियों और गुनाहों और ख़ताओं से दरगुजर फरमा। जो मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद है, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो मोमिनीन मरीज़ हैं, उनको शिफा अता फरमा। जो मकरूज होंगे, कर्ज़ों को अदा फरमा। जो दुनिया से रुख्सत हो चुके, उनकी मगफरत फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के ग़ुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।